हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है डे 4 हमारे दुबई ट्रिप का। तो आज हमारा सेकेंड हाफ में बुर्ज खलीफा दुबई मॉल सब है। तो जो हमारा ट्रैवल एजेंसी था, उन्होंने हमारा बुक किया था 5 PM को पिकअप, यानी हमको सनसेट का टाइम का व्यू मिलेगा बुर्ज खलीफा के टॉप पे 124th floor। तो हमारा फर्स्ट हाफ पूरा खाली था, तो हमने सोचा इमरज मॉल चले जाए। दुबई मॉल तो है ही हमारा शाम में, तो अभी हम लोग इमरज मॉल जा रहे हैं मेट्रो से। तो उसी बहाने हमारा मेट्रो का राइड भी हो जाएगा। तो यहाँ से पहले मॉल जाना पड़ेगा, मॉल के पास ही एक मेट्रो है, फिर वहाँ से दुबई मॉल नहीं, एक पास में हमारा मॉल है, वहाँ पे जाके उसके बाद वहाँ से ट्रेन मेट्रो लेके रेड लाइन चेंज करना पड़ेगा, और फिर रेड लाइन से सीधा इमरज मॉल। हेलो, इशू भी है, अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट। सो अभी हम लोग बाहर तो निकल चुके हैं, तो हमको लग रहा था कि नाहर मॉल के पास जो है बुर्ज नाहर मॉल, उधर ही एक मेट्रो स्टेशन है, लेकिन उधर बस स्टैंड है। तो वहाँ से बस स्टैंड, बस से लेकर यूनियन तक जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि लाइक कि 12 मिनट का ही वॉक है, तो पैदल ही चलते हैं, 1 किलोमीटर के करीबन है, तो सीधा ही है, तो चलते हैं सीधा अभी। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के पास। तो यहाँ पे हमको बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है सामने, तो यहाँ पे जाना पड़ता है। सो ये यहाँ पे रेड यानी नहीं जा सकते ऑब्वियसली, तो अभी वेट करते हैं, जब ग्रीन होगा तो चलते हैं। जे वॉकिंग का वैसे यहाँ पे 400 dirham है, मीन्स अराउंड 9,000 rupees। सो 9 to 10,000 rupees। सो अभी चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ इमरट्स। सो ये एकदम मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड ही है, 32nd स्टेशन पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या क्या है मॉल ऑफ इमरट्स में। ये दुबई मॉल जैसा नहीं है, बस इसमें स्की दुबई है, मेरा कोल्ड स्टोन। तो अभी आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते थोड़ा क्या क्या है। Isho, what are you having? Ice cream. गाइज, अभी हमको स्की दुबई सुबह पे था, और अभी हम लोग मैजिक प्लैनेट के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। और देखते हैं हम। हेलो, यस। तो अभी चलते हैं फटाफट मैजिक प्लैनेट में, क्या क्या है, क्योंकि स्की दुबई का तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, आई थिंक सो, हाँ टाइम जोन जैसा है कुछ, आई थिंक सो। यस, इंडिया का नहीं, दुबई का टाइम जोन टाइप।
यस आर्केड है आई थिंक सो, ऐसा टाइप का, देखते क्या है, अभी हम लोग कुछ पता करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग देखने आ गए इसकी दुबई का क्या प्राइस है एक्सेट्रा पैकेजेस और यहाँ पे रेंडियर्स एकदम असली लग रहे हैं। हाँ एक्चुअली तो यहाँ पे सारा पैकेजेस लिखा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं। 195 AD से स्टार्ट होता है। सो गाइज अभी हमारा रैंडमली प्लान बन चुका है स्की दुबई जाने का। सो मैं पापा और ईशू जा रहे हैं क्योंकि मम्मी को नहीं करना है। तो यहाँ पे तीन पैकेजेस है, स्नो पार्क ये सारे इंक्लूड है जिसमें वो बन चुका है स्नो टाइप और स्नो डेकेशन और स्नो प्रीमियम। सो ये सब है, आप देख लीजिए स्क्रीन पॉज करके क्या क्या है। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला पैकेज ले रहे हैं 195 AD और अंदर मेरे को पता चला अंदर -10 degrees रहता तो बहुत ठंडा रहेगा। और स्नो भाई दुबई सिटी में लिटरली स्नो है तो देखते हैं कैसा है। अच्छा बोला तो मम्मी चले जाओ, मेरे को नहीं जाना है, इनके लिए जाना, बच्चे जाने के साथ जाने ना जाने है, चले जाओ नहीं वैसे क्या नहीं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं तो पहले वही बोला था तुम बोला ऐसा कुछ नहीं सो अभी यहाँ से यहाँ पे हमको ग्लव्स मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। हमने फ्यूचर म्यूजियम तो नहीं कर पाया है लेकिन स्की दुबई भी अच्छा है तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे है। नो उसमें इंक्लूडेड था ना फ्लीस, सो अभी देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं यहाँ पे इशू ये वाला गाड़ी में इसका फुल सूट है, ये हेलमेट भी। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं, मैंने ये डाल लिया, अभी इसका बटन्स लगाना है तो रेडी होके, और फ़ोन भी नहीं चलता ये ग्लव्स से एक तो अभी देखते हैं कैसे रिकॉर्डिंग होगा। अंदर चल के मैं आपको मिलता हूँ। मारा इस का तो गाइस मैं अपने पूरे लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्नो, और वो भी मैं एक डेजर्ट सिटी में जो यूएई में दुबई में पहली बार अपना स्नो है। तो यहाँ पे राइड्स है तो
भी वही एक हमारा एक स्लाइड है यहाँ पे पहले मैट हुआ सो यहाँ से तीन सौ ऐसे गिर के आना है वहाँ पे तुम गो इसे गो नहीं अरे इसको लेके ऊपर जाना है और फिर नीचे स्लाइड होते हुए आना है। अभी हम लोग बहुत टॉप पे हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वॉक होना चाहिए क्योंकि केव है। यस वॉर्म है वॉर्म है। फिर भी यहाँ पे दूसरे दूसरे तक पहुँच गए सर। Bobsled ride. This is called bobsled ride. Let's go, guys. चलो यहाँ पे खड़े हो जाना हमें। पहले बैठो इसे। आओ ग्लव्स आ गया इसे अच्छे से ग्लव्स पहन लिया ठीक से और नीचे होना है उसको नीचे हो जाओ थोड़ा सा हाँ रेडी ऊपर चेस्ट पे हाथ रखो हाँ बाय